अच्छा मोहित भाई, आज ये सब लाहौर के बच्चे बैठे हैं, इनके सामने हम दो कराची के लौंडे बैठे हैं। सही। आज हम कराची की कुछ ऐसी सौगात इनको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारे कराची शहर में क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। बैठे बैठे देनी। बैठे बैठे। अच्छा। सुने, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हम कराची वाले स्पेसिफिकली वही बोलते हैं। कुछ सब कराची यही बोलते हैं, ठीक है। जैसे पहली टर्म है, और अगर आप किसी लाहौर से पूछेंगे भी कराची वाले की एक्टिंग करके दिखाओ, सबसे पहला लफ्ज यही बोलेगा। वो लफ्ज है, कहाँ चला गया, अबे अबे अबे, है ना। जब भी आप बोलो कराची वाले, अबे क्या कर रहा है ना। हाँ। अबे का क्या मतलब है? अबे कैफियत का नाम है। कैफियत कैफियत है ये अबे। हाँ, चिड़े में होंगे, गुस्से में होंगे, तो अबे निकलना जरूरी है। हाँ। स्ट्रेस देने पे, स्ट्रेस डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। ठोक बजा के बोलने को कहते हैं। जैसे कोई मोबाइल छीन के भागे, अबे। हाँ। अगर कोई ऐसी चीज देख ली जो नहीं देखनी थी, अबे। अक्सर बहुत प्यार प्यार से भी कहना पड़ता है अबे। अबे यार, नहीं करना अभी। अबे नहीं। अबे ना, खूबसूरती अबे में। अच्छा, दूसरा लफ्ज हमें भैंसों से बहुत प्यार है। हमारे भैंस भैंस बहुत आती है। जैसे होते ना, भैंस चोर, भैंस की डांग, भैंस की आंख, भैंस की पूंछ, भैंस की पूंछ। क्या है ओ भैंस, बहुत जोर से लगे हो भैंस। और एक और भी था, इसकी एक और फॉर्म भी है, वो है भैंसन। भैंसन भैंसन, ये जवाब है भैंस। अबे भैंसन, ये तो ये तो। अच्छा, दूसरा, ये आज हम लाएंगे भैंस का पावा, अख्तर लावा। ये लाहौर में देती है भैंस, भैंस का पावा। एक साथ एक नारा लाहौर के लिए, भैंस का पावा, अख्तर लावा। मैं मार्केट में और भी टर्म्स है मेरे पास, मैं बस छोटी टर्म नहीं। पौका, पौका और कद्दू जी। ये अब पौका जो है वो सादा नहीं बोला जाता कभी भी। ऐसा नहीं कि आप हाथ बांध के पौका बोल दें। पौका में हाथ, बॉडी, टांग, आंख सब इन्वॉल्व होते हैं। अबे पौका। अच्छा, कद्दू का क्या है? ये कद्दू और पौका में फर्क बताइए। पौका भी तकरीबन अबे की तरह यूज होता है, लेकिन अगर इसकी रूट में जाएंगे तो वो जहां से शुरू हुआ है वो जरा, मेरे ख्याल से इसका ताल्लुक ये फारस से है। फारस के लोग, इसका ताल्लुक जहां से, वो बहुत ना मुहज्जब बात हो जाएगी। पौका तो बस एक पौका था। हाँ। जो कि अब एक आम फहम हमारा कराची का वो बन गया है। तो आप अग्रीमेंट में, डिसएग्रीमेंट में, सरप्राइज में, गुस्से में, कहीं एक एग्जाम्पल। डिसएग्रीमेंट यार, क्या क्या यार, बहुत ही पौका शो हो रहा है। पौका यार, क्या उसने पौका अंत तफरी कर दी। तो उसके साथ आपको एक सपोर्टिव अंत लगाना, लगाना अंत यानी कि आखिर, ठीक है, आखिर, दी एंड वाला अंत। तो पौका किसी तरह भी यूज हो सकता। अच्छा, है अच्छा, ये टर्म्स क्योंकि इवॉल्व हुई है, तो पौका शुरू से पौका नहीं था जी। आपको पता हो अगर जब पौका बोला जाता मखसूस इलाकों में, तो अगला वाला जवाब देता। किसी को आप बोले, आप मुझे बोले पौका, अबे पौके, बोले पौका पौका, दस का लोगे नौ का। ये बात भी ये था, बिल्कुल यही था, ये था ना, बिल्कुल यही था। अच्छा, जवाब यही था इसका, दस का लोगे नौ का। दूसरा ये कि अगर आप ये लाहौर से पूछे, एक लाहौरी टर्म होती पप्पू यार तंग ना कर। जी बिल्कुल, मगर इसका पूरा किसी को नहीं पता। अच्छा, इसका भी पूरा एक जुमला। अच्छा, पप्पू यार तंग ना कर, पैसे ले ले जंग ना कर। आए, ये शराफत। अच्छा, कद्दू और पौका में क्या डिफरेंस? कद्दू और पौका में ये डिफरेंस है कि कोई भी चीज जो कि फुस हो जाए। हाँ। वो सिचुएशन कद्दू है, पौका थोड़ी खड़ी खड़ी कड़क सिचुएशन। लिखते रहो बेटा, लिखते, नोट्स बना।